हिंदू धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागन होने का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सुहागन के 16 श्रृंगार में एक सिंदूर उसके अखंड सुहागन होने की निशानी होती है। कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहाँ से आया और इसका धार्मिक या वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आइए जानते हैं कि मांग में सिंदूर लगाने का क्या महत्व है। सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत वक्त से चली आ रही है और इसका उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। कहा जाता है कि माता सीता रोज श्रृंगार में मांग में सिंदूर भरती थी। एक बार हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने बताया, इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा का व्याख्यान किया गया है। बताया जाता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। बता दें कि माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहां पर वो सिंदूर लगाती हैं। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ये स्थान अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है, जिससे शरीर पर लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है। इससे नकारात्मक शक्ति आपसे दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर रहते हैं। विज्ञान के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, सिंदूर में पारा होने से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती, यानी सिंदूर लगाने से महिलाओं के चेहरे पर बढ़ती उम्र के संकेत नहीं दिखते, उनका चेहरा खूबसूरत नजर आता है। इससे महिलाओं की उम्र भी बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महिलाओं को सिंदूर लगाना लाभकारी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।